थू 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 किसका नाम ले लिया? बीजेपी का नाम ले लिया। बीजेपी पार्टी है, बीजेपी को पार्टी बोलते? पार्टी तो एमआईएम को बोलते साहब, हर काम के लिए ठहरना। बादशाह उसको बोलते हर काम को पूछना। मणिपुर में औरतें लंगे हो रहे हैं, बीजेपी पार्टी है, इसको पार्टी बोलते? किसका नाम ले लिया आप? असदुद्दीन अवैसी साहब को हराना भूल जाना है लोग, इतना आसान नहीं है उनको हराना, ना इनके बस की बात है। कोशिश कर रहे बच्चे, कर लें दो। यहाँ का हिंदू भी जानता है, यहाँ का मुसलमान भी जानता है, यहाँ की कौम जानती एमआईएम क्या है, बीजेपी क्या है, सबको मालूम है। आवाम बेदार हो गई, इसको आप गुमराह नहीं कर सकते। क्यों आए नो? हिंदू मुसलमान करने को आए, फसाद कराने को आए? अब हमारे हैदराबाद में अमन है, इसको फसाद कराना चाह रहे क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में जो अमन है, हिंदू मुसलमान जो भाई भाई बन के हम जो चल रहे, हमको ऐसी चलने दो। कोई दूसरी पार्टी का हमारे कुछ जरूरत नहीं है। जो बच्चे कोशिश करना चाहते कर लेने दे, ना यहाँ का हिंदू लंगा होना चाह रहा, ना मुसलमान को लंगा करना है। मणिपुर को देख के हिंदू भी और डालना है, नहीं डालना है सोचेगा। एक फौजी की बीवी के साथ ये हरकत हो रही तो फिर यार कौन सा हिंदू सेफ है बोलो? अरे बादशाह उसको बोलते जो हर कौम को लेके चलना। ये मंदिर मस्जिद दरगाह मस्जिद मंदिर क्या है ये? ये काम के लिए आया आप संविधान के? माशी हालत किधर से किधर चले गई? पहले एक आदमी कमाया तो 10 आदमी का घर चलता था, 10 जने पलते थे। आज एक आदमी कमा रहा तो दुश्वार हो जा रहा घर चलाना। वालेकुम सलाम भाई जी, क्या नाम? मेरा नाम जहांगीर। कहाँ रहते आप? मैं यही हैदराबाद का हूँ जी। आपके एरिया में तरक्याती काम कैसे चल रहे हैं आपके मोहल्ले में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है, हमारे कायदीन असदुद्दीन अवैसी साहब जो है ना, हर कौम के साथ अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। एक मुसलमान को नहीं पूछते, हर कौम को पूछते और हर जगह मदद के लिए पहुंच जाते। उनके कायदीन पहुंचते और लोग पहुंचते। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश है, इंशाल्लाह इन लोगों को वोट देंगे। नहीं, अब आने वाले कुछ दिनों में तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन है जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, जिसमें BRS, कांग्रेस, MIM, BJP, आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे और क्यों देंगे? थू, किसका नाम ले लिया? बीजेपी का नाम ले लिया आप? बीजेपी पार्टी है, बीजेपी को पार्टी बोलते? पार्टी तो MIM को बोलते साहब, हर काम के लिए ठहरना। बादशाह उसको बोलते हर कौम को पूछना। मणिपुर में औरतें लंगे हो रहे हैं, बीजेपी पार्टी है, इसको पार्टी बोलते? किसका नाम ले लिया आप? जबान खराब कर दिया आप पूछ के। कोई अच्छे पार्टी का नाम ले, जैसा MIM है, असदुद्दीन अवैसी है, अकबरुद्दीन अवैसी है, MIM के कायदीन की बात करो आप। और कौन है बोल के काबिल बोलिए आप? कांग्रेस दावे कर रही कि मजलिस को ओल्ड सिटी में हराएंगी बोल रही है, उस पर क्या बोलिए आप? असदुद्दीन अवैसी साहब को हराना भूल जाना है लोग, इतना आसान नहीं है उनको हराना, ना इनके बस की बात है। कोशिश कर रहे बच्चे, कर लें दो। नहीं कर लें दो, किसको क्या कोशिश करना है कर लें दो। मणिपुर के लिए कौन बोल रहा? अपने फलस्तीन के लिए कौन बोल रहा? मुसलमानों को जुल्म हो रहा सो देख रहे हैं क्या लोग? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं खाली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, यहाँ पे कोई फसाद नहीं है, सुकून है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना फसाद है ना कुछ है, डेवलपमेंट भी हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम, चल रहा काम। मीडिया में असदुद्दीन अवैसी और उनकी पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता कि उन लोग एक तरफा काम करते, सिर्फ मुसलमानों का काम करते। नहीं नहीं, गलत बात है ना। कई जो है ना फलकनुमा पे काउंसलर नायक साहब कुछ नाम है उनका, उन्होंने है, और काफ़ी हिंदू लोग भी है पार्टी में, ऐसा नहीं है खाली मुसलमान है मुसलमान का ही काम करते, सबका काम करते। उन्होंने मंदिरों का भी जाके देखे, उन्होंने खाली मुसलमानों का थोड़ी देख रहे। बादशाह उसको बोलते जो हर कौम को लेके चलना। खाली दोष हिंदू मुसलमान बोले तो कोई फायदा नहीं है। मणिपुर में देख लो आप क्या हाल हुआ, औरत लंगी कर दिए। किसकी? कमांडो की, फौजी की। कैसा कर सकते हैं काम? अफगानिस्तान का कोई मसला हो गया, मोदी साहब को बयान देना सुधर गया। मणिपुर में क्या हो रहा, मुंह नहीं खुला उनका अब तक। क्या है ये? इसको पार्टी बोलते, इसको PM बोलते, क्या है ये?
यहाँ का हिंदू भी जानता है, यहाँ का मुसलमान भी जानता है, यहाँ की कौम जानती MIM क्या है, BJP क्या है, सबको मालूम है। आवाम बेदार हो गई, इसको आप गुमराह नहीं कर सकते। असदुद्दीन अवैसी साहब उठाए, हर जगह उठाते उन्होंने, NRC के वक्त भी उठाए उन्होंने, ट्रिपल तलाक के वक्त भी उठाए, और भी उठा रहे, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने। इनको जरूरत क्या है, इनको हिंदुस्तान का संविधान का जो कानून है अम्बेडकर का वही लेकर चलना चाहिए, बदलने की जरूरत क्या है। मोदी साहब कानून बदलने को आए, संविधान बदलने को आए, क्यों आए नो? हिंदू मुसलमान करने को आए, फसाद कराने को आए। अब हमारे हैदराबाद में अमन है, इसको फसाद कराना चाह रहे क्या? यहाँ का हिंदू और मुसलमान सब धर्म के लोग जानते हैं BJP क्या करती, MIM क्या करती। MIM अमन चाहती और तरक्की चाहती, सुकून चाहिए हमारे को, जो सुकून हमारे हैदराबाद में है। हमारे को BJP पार्टी नहीं चाहिए, ना कांग्रेस पार्टी चाहिए, ना कोई दूसरी पार्टी चाहिए हमारे को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में जो अमन है, हिंदू मुसलमान जो भाई भाई बन के हम जो चल रहे हैं, हमको ऐसी चलने दो, कोई दूसरी पार्टी का हमारे को जरूरत नहीं है। जो बच्चे कोशिश करना चाहते कर लेने दे, उनकी भी आरजू पूरी हो जाए, समझ रहे? हमको इनकी जरूरत नहीं है, ना यहाँ का हिंदू लंगा होना चाह रहा, ना मुसलमान को लंगा करना है। मणिपुर को देख के हिंदू भी जो और डालना है, नहीं डालना है सोचेगा। एक फौजी की बीवी के साथ ये हरकत हो रही, तो फिर यह कौन सा हिंदू सेफ है बोलो? क्या मुसलमान की बीवी लंगी हुई? वो यहाँ का हिंदू बेहतर जानता, मुसलमान भी बेहतर जानता, हर मजहब के लोग बेहतर जानते कौन किसके साथ क्या कर रहा। ये मंदिर मस्जिद दरगाह मस्जिद मंदिर क्या है ये काम के लिए आया आप संविधान के? अरे कौम का भला करो, कौम में तरक्की लाओ। लोग बेरोजगार हो गए, माशी हालत किधर से चली गई। पहले एक आदमी कमाया तो 10 आदमी का घर चलता था, 10 जने पलते थे, आज एक आदमी कमा रहा तो दुश्वार हो जा रहा घर चलाना। ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हैदराबाद में तो आप बोल रहे हैं कि मजलिस जीतेंगी, तो तेलंगाना में कौन जीतेगा, हुकूमत कौन बनाएगा? क्या BRS बनाएंगी, कांग्रेस बनाएंगी या BJP बनाएंगी? क्या बोले आप? हुकूमत कौन बनाएगा तेलंगाना में? BRS को बनाने दो, मसला नहीं है। BRS भी नॉट बैड, अच्छी पार्टी मानी जाती, वो भी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। असद साहब बेहतर है, BRS KCR साहब अच्छे है, करने दो। असदुद्दीन अवैसी बोले कि जहाँ पे मजलिस है वहाँ पे मजलिस को वोट दो, और जहाँ पे मजलिस नहीं है वहाँ पे मामू को वोट दो, तो क्या तेलंगाना की आवाम जो है मामू को जिताएंगी? इंशाल्लाह KCR साहब को जिताएंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे को कोई ऐसा मसला नहीं है, KCR साहब से हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। मुसलमानों को पूछे उन्होंने, मुसलमानों का जो भी करना है करे उन्होंने, जो कर सकते थे करे, जो करना है करेंगे भी उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर है एक, आपका आपकी राय क्या है, आपकी कौन हुकूमत बनाएगा? KCR साहब होना चाहिए और MIM होना चाहिए, जो अमन हमारे शहर में है वो बाकी रहना चाहिए। हमारे को दूसरे पार्टियों की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हमारे को इससे कोई मसला नहीं है। बच्चे कोशिश कर